नमस्कार हेल्थ ओपीडी के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे बढ़ती उम्र में सांस उखड़ना या फिर दम फूलना काफी कॉमन प्रॉब्लम है खासकर अगर हम दिल्ली जैसे महानगरों की बात करें जहाँ पे कि ऑलरेडी पॉल्यूशन है दूसरी चीजें हैं तो ये जो सांस की समस्या है ये क्यों होती है क्या इनकी वजह है और कैसे इनका आसान समाधान मुमकिन है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विनी कांट्रो डॉक्टर कांट्रो बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार नमस्कार धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए जी शुक्रिया आ, मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बता दूंगी डॉक्टर रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन अपोलो हॉस्पिटल के साथ और बहुत ही मन लगाकर अपने मरीजों का ख्याल रखती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयरनेस फैला सके ताकि बहुत सारे लोगों को बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए तो आज के इस विषय पर सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब बढ़ती उम्र में जो सांस उखड़ना या फिर दम फूलना ये कॉमन चीज क्यों हो जाती है क्या है क्या वजह इसकी? जी मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका सो so, आप अपने माध्यम से हेल्थ ओपीडी ये जो एक अवेयरनेस का प्रोग्राम क्रिएट करती हैं बहुत ही अच्छा लगता है और सरल भाषा में हम लोग कोशिश करते हैं कि सब लोगों को इस बारे में जानकारी दे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ सो so, एक बहुत ही कॉमन uh, प्रॉब्लम जो है uh, एक ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम यानी सांस उखड़ने की प्रॉब्लम एज के साथ हमने देखा है ऑलमोस्ट 90 या 95 परसेंट लोगों में आ ही जाती है उम्र के साथ और इनिशियली हम इसको काफी इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ कमजोरी आ जाती है इसलिए हमारी सांस उखड़ रही है सो so, हम इस पे ध्यान ना देके इसको इग्नोर करके कुछ अच्छा चीज नहीं करते हैं क्योंकि कि जितना ज्यादा प्रॉब्लम छुपा रहेगा काफी टाइम तक अंदर ही अंदर पनपता रहेगा कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सॉर्ट करना या उस चीज का सोल्यूशन निकलना आगे के लिए हमारे लिए डॉक्टर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है सो so, सबसे कॉमन कारण जो होते हैं बढ़ती उम्र के साथ सांस बढ़ने के जो हम रियलाइज नहीं करते हैं वो होता है डी यानी हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारे जो मस्किलोस्केलेटल सिस्टम है वो थोड़ा कमजोर होने लगता है हमारे प्रोटीन्स शरीर में जो एसिमिलेशन है वो कम होने लगती है इसी कारण हमारी मांसपेशियां जो हैं, जो हड्डियाँ हैं वो कमजोर होती हैं और सांस क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मस्किलोस्केलेटल सिस्टम का एक रोबस्ट होना बहुत ही अनिवार्य है तो इस चीज की कमजोरी तब भी आती है जब हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते सो so, उम्र के साथ एक्सरसाइज में रुचि होना या फिर उसको सस्टेन करना कम हो जाता है कई कारणों से ऐसा नहीं होना चाहिए एक्सरसाइज जितना आप ज्यादा कर सकते हैं जितना आपका हेल्थ अलाउ करता है छोटे से छोटे फॉर्म में भी आपको फायदा जरूर देता है यानी बैठे-बैठे भी अगर हमारे घुटने हमको दिक्कत दे दें सकते हैं खड़े होने से रनिंग करने से सो so, बैठे बैठे भी हम अपनी अपर बॉडी की मांसपेशियों को अपनी मसल्स को बहुत ज्यादा यूज करके उनका एक अच्छा यूज करके उनकी एक्सरसाइज करके उन्हें हम एक हेल्दी स्टेट में रख सकते हैं जिससे ये डीकंडीशनिंग उम्र के साथ हमारी ब्रीदिंग को ना अफेक्ट करे ये हुआ एक कारण दूसरा कारण अक्सर जो आ, कई लोग इग्नोर करते हैं कई बार मेडिकल uh, प्रोफेशनल्स भी उस चीज को इतना ध्यान नहीं देते जितना वो लंग्स की प्रॉब्लम पे देते हैं सो so, दूसरा कारण होता है खून की कमी यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो जाहिर सी बात है आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा ताकि आपकी जो जो कोशिकाएं हैं रेड ब्लड सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहे वहीं आपके हार्ट को भी ओवरवर्क करना पड़ता है अपनी हार्ट रेट बढ़ानी पड़ती है ताकि आपकी ऑक्सीजन बॉडी की बनी रहे सो so, हीमोग्लोबिन कम होना जिसके कई कारण होते हैं ओल्ड एज में जो कि डाइटरी हो सकता है डाइट जो आपका है उसमें काफी रेस्ट्रिक्शन आते हैं आपको काफी चीजें पसंद नहीं नहीं आती या आलस आता है सब्जियां वगैरह खाने से आयरन कंटेंट आपका कम रहता है तो हीमोग्लोबिन कम होना बहुत ही एक कॉमन चीज होती है दूसरी तरफ पेट की बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं इस एज में तो ब्लड का लॉस होना वहां से एक कॉमन चीज हो जाती है सो so, इसको चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा हम आते हैं हार्ट के कारण सो so, हार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है हमारे आ, पूरी बॉडी में हमारी पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई करता है और उसी के द्वारा ऑक्सीजन देता है सो so, हार्ट की पंपिंग कम हो जाना कई कारणों से स्पेशली जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें साइलेंट हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं यदि पहले कभी किसी को साइलेंट हार्ट अटैक हुआ है तो हमारी हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है वो कई बार कम हो जाती है ये पंपिंग एक्शन बहुत अनिवार्य होती है हमारे जो ब्लड को है फॉरवर्ड फ्लो करने के लिए यानी कि हमारे लंग्स की तरफ जो एक्स्ट्रा पानी जाता है या फ्लूड जाता है उसको हेल्प करती है हार्ट फॉरवर्ड फ्लो करने में तो यदि ये पंपिंग अफेक्टेड होती है तो हमारे लंग्स जो है वो वेट हो जाते हैं यानी उनमें पानी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है ये एक कारण होता है ब्रेथलेसनेस का और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण होता है जब हमारी एज age... एक पर्टिकुलर एज को क्रॉस करती है और जैसे हम सबको पता है इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वर्ल्ड में हमारे पास और जाहिर सी बात है कि डायबिटिक्स भी बहुत ज्यादा है तो इसी कारण जो है हार्ट के एलिमेंट्स भी रिसेंटली हमने देखा है बहुत ज्यादा बड़े हैं और ये ग्रुप और यंगर एज ग्रुप के लिए भी हम लोग इसको इंसिस्ट कर रहे हैं कि इस चीज को इग्नोर ना करें चौथा कारण जो होता है वो लंग्स का आता है आपको आश्चर्य होगा मैं लंग्स की डॉक्टर हूं लेकिन चौथे कारण पे मैं लंग्स को रख रही हूं क्योंकि पहले तीन कारण जो हैं अक्सर मैंने कहा है कि कॉमन चीजें कॉमन थिंग्स फर्स्ट पहले कॉमन चीजें हमें सोचनी चाहिए उसके बाद जो है हमें रेयरर कॉजेस की तरफ आना चाहिए सो so, लंग्स भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है ब्रेथलेसनेस होने का इसमें एक सबसे बड़ी जो बीमारी है सीओपीडी के नाम से जिसे हम जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज आज वर्ल्ड एंटी टबैको डे भी है तो इसके माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहूंगी कि टबैको स्मोकिंग एक इंपॉर्टेंट कारण है डॉक्टर तो, जी मैं वापस आ गई हूँ आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ ये परफेक्ट सॉरी आई हैड अ फोन कॉल जी सो हम बात कर रहे थे डॉक्टर आपकी आवाज मुझे सुन सुन पा रही हूँ मैं लेकिन आपका वीडियो नहीं दिख रहा है हम बात जी जी परफेक्ट हम बात कर रहे थे सीओपीडी के बारे में जिसका एक मुख्य कारण जो है स्मोकिंग है स्मोकिंग जो है एक फॉर्म ऑफ टबैको इनटेक होता है जिसे हम स्मोक के फॉर्म में टबैको इनहेलेशन लेते हैं दूसरा कारण होता है टबैको को च्यू करने का जो कि हमारी कंट्री में काफी ज्यादा कॉमन है हमने देखा है ओरल कैंसर बहुत बहुत ही कॉमन uh, है हमारी कंट्री में और uh, जितने भी आप मूवीज देखते हैं उनमें इनिशियली आपने जरूर देखा होगा कि किस तरीके से आपको दिखाया जाता है कि ओरल कैंसर से क्या हो सकता है या फिर जो वो लंग्स को निचोड़ने वाली एक आपको प्रक्रिया दिखाते हैं कि कितना टार आपके लंग्स में जमा हो सकता है अगर आप स्मोकिंग कर है सो so, वही टार जो होता है वो अफेक्ट करता है आपके ये ब्रीदिंग ट्यूब्स को जो आपके ब्रीदिंग ट्यूब्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं स्मोकिंग से और दूसरी तरफ आपको लंग कैंसर भी हो सकता है सो so, स्मोकिंग से प्लीज दूर रहें यदि आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आगे भी ना करें लेकिन यदि करते हैं तो इसको छोड़ने के तरीके हम सब के पास अभी उपलब्ध हैं काउंसलिंग के फॉर्म में कुछ मेडिकेशंस है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं सी सीओपीडी से बचा जा सकता है दूसरी तरफ महिलाओं में स्पेशली एल्डरली जो फीमेल्स होती हैं जो हमारे विलेजेस uh, में काम करती हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी इनिशियली अब तो चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ही कम हो गया है लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं एल्डरली लोगों की सो पुराना जो उनका एक्सपोजर है ऐसा नहीं है कि केवल उसी समय उसी एज ग्रुप में उनको प्रॉब्लम हो सकती है ये मैनिफेस्ट कर सकता है आपकी एल्डरली एज ग्रुप में भी सो so, चूल्हे पे खाना बनाना एक रिस्क फैक्टर है जो चूल्हे का धुआं है वो लंग्स को लग के सीओ क्रिएट कर सकता है वहीं हमने ये भी जाना है कि पॉल्यूशन के कारण भी पीडी बढ़ता है ये एक कारण है आपके लंग्स के ट्यूब्स का सिकुड़ने का किसी किसी को एस्थमा होता है वो ओल्ड एज में काफी ज्यादा ब्रिटल हो जाता है यानी कि वो ट्रीटमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करता इसीलिए इस कारण से भी आपकी सांस फूल सकती है दूसरा कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट सांस फूलने का जो लंग्स के कारण होता है वो इंटरस्टीशियल लंग डिजीज है और ये हमने देखा है काफी कॉमन होता है 50 की एज के बाद इसके कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं यानी कि आप, आपका जो डीएनए है उसके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस है जो आपको प्रोन बनाता है इंटरस्टीशियल लंग डिजीज के लिए और कुछ जो चीजें हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिसमें कुछ वायरल हमने जाना है ये आगे की लाइफ में लंग क्रिएट कर सकते हैं या फिर पोल्यूशन की लेवल या इनफ्लमेशन के मार्कर्स जो हमारी लंग्स में जो काफी देर तक बने रहते हैं वो हमारे लंग्स की सेल्स जो होती हैं जो हीलिंग करती है लंग्स में उनमें कुछ ऐसी चेंजेस लाता है कि ये हीलिंग प्रोसेस जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू स्कारिंग सो ये स्कारिंग को ही हम इंटस्टिशल लंग डिजीज का नाम देते हैं जिसके कारण आपके लंग्स जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं आ, आ, आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैंने ब्रीदिंग ट्यूब्स के सिकुड़ने के बारे में बात की थी वो रहा सीओपीडी और यहाँ पे मैं लंग्स के सिकुड़ने की बात कर रही हूँ और इसको इंटस्टिशल लंग डिजीज कहा जाता है क्योंकि लंग्स जो होते हैं उसमें काफी सारे जो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने में हेल्प करती है सो इंडस्ट्रीशल लंग डिजीज भी हमने देखा है रिसेंट पास्ट में काफी ज्यादा इंक्रीज uh, हुआ है इंडियंस में इसके कई कारण हो सकते हैं पोल्यूशन एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण इन्फ्लोमेशन हमारी बॉडी में बढ़ती है और ये स्कारिंग प्रोड्यूस करती है दूसरा कारण कोविड के टाइम पे भी कई लंग्स इतने ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गए थे कि फाइब्रोसिस उनमें परसिस्ट करती है तीसरा सांस फूलने का कारण जो होता है वो लंग कैंसर होता है लंग कैंसर हमारी कंट्री में नंबर वन कैंसर के नाम से रूप में देखा जाता है क्योंकि स्मोकिंग से रिलेटेड हमारी कंट्री में डिजीजेस काफी हैं सो लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हो सकते हैं उसमें क्रॉनिक खांसी आना यानी कि बहुत दो हफ्ते की जो दो से चार हफ्ते की खांसी है उससे अधिक खांसी रहना या थूक में खून आना बलगम बना बनना सांस फूलना या आपका वजन कम होना बुखार आना ये सब सिम्टम्स काफी कॉमन हो जाते हैं चौथा कारण जो होता है ट्यूबरक्लोसिस हमारी कंट्री में काफी ज्यादा कॉमन है हम लोग एंडेमिक जो है एक रीजन है ट्यूबरक्लोसिस का पूरे एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसमें हम काफी ज्यादा जो है ट्यूबर के रूप में हमारे कंट्री में डिजीज बहुत ज्यादा देखी जाती है सो so, ट्यूबर का कारण एक बैक्टीरिया होता है जिसके इंफेक्शन के कारण आपके लंग्स में डिस्ट्रक्शन होती है यानी कि ये आपके लंग्स को कुरेद के उसको खाता है एक तरीके से लेकिन अच्छी बात यह है कि ट्यूबर का जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है और यदि आपको ड्रग सेंसिटिव ट्यूबर है, तो उसका जो इलाज है बहुत ही आसान है महीने की दवा दी जाती है और उसको टैकल हेल्प तो करती है सो एल्डरली एज ग्रुप में क्योंकि न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं कई कारणों से बच्चे बाहर है डिप्रेशन की हिस्ट्री है मन नहीं करता अकेलापन हो जाता है खाना अफेक्ट होता है उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हिम्मत नहीं रहती बनाने की या मन नहीं करता इसलिए जो इजी टू कुक फूड होते हैं वो बनाते हैं सब्जियां कम खाते हैं मटन कम खाते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटस आपको शायद कई बार अलाउ नहीं करती कि आप ऐसी चीजें खाएं और ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करें सो so, इस वजह से यदि न्यूट्रिशन अफेक्ट होता है सो so, ट्यूबर का बैक्टीरिया जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है जिसको यंग लाइफ में आपने का, काफी अच्छे तरीके से अपनी इम्यूनिटी से टैकल किया था लेकिन इस एज ग्रुप में क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम होती है न्यूट्रिशन की वजह से तो वो जागरूक हो सकता है जो अन्य कारण होते हैं लंग्स में ब्रेथलेसनेस के Okay. वो बहुत ज्यादा कॉमन uh, नहीं होते अनकॉमन कॉजेस होते हैं लेकिन हाँ काफी ज्यादा तौर पे हो सकते हैं इसमें वेसल्स के कॉजेस होते हैं यानी कि जो आपकी uh, जो वेसल्स हैं लंग में जो ब्लड सप्लाई करती हैं उनकी डिजीज की वजह से उनके सिकुड़ने की वजह से आपके लंग्स के प्रेशर बढ़ जाते हैं जिस कारण आपका ऑक्सीजन कम होता है यदि ऑक्सीजन कम होता है तो लंग्स को क्योंकि ओवरवर्क करना पड़ता है इसी की वजह से जो है आपको ब्रेथलेसनेस का एहसास होता है सो so, ये मैंने कुछ कॉमन कारण बताए हैं ब्रेथलेसनेस के जिनको टैकल किया जा सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से और दवाएं भी उपलब्ध हैं